राफेल डील पर जुमलेबाज मोदी सरकार अब घिरती दिख रही है। विपक्ष के साथ साथ अब सुप्रीम कोर्ट से भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील पर जैसे ही सुनवाई का दायरा बढ़ाया, विपक्षी खेमे में खुशी देखने को मिली। लेकिन अब राफेल मामले में मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट राफेल मामले पर दोबारा सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। राफेल मामले पर बुधवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की दलीलों को खारिज कर दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय से लीक हुए दस्तावेजों की वैधता की मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि गलत ढंग से हासिल गोपनीय दस्तावेजों के आधार पर मामले की सुनवाई होगी। इससे पहले कोर्ट ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर गलत ढंग से हासिल गोपनीय दस्तावेजों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट से मामले की सुनवाई की याचिका खारिज करने की अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने केंद्र की इस याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि केंद्र सरकार से राफेल डील पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सार्वजनिक मंचों से मोदी पर राफेल डील को लेकर निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का राफेल मामले पर फैसला यह साबित करेगा कि इसे कांग्रेस चुनाव में मुद्दा बना सकती है या नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट राफेल मामले में पहले दिए फैसलों पर पुनः विचार के लिए तैयार हो जाता है तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मोदी सरकार एक बार फिर से विपक्षी के निशाने पर आ गई है। अब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस सहित तमाम विपक्ष पार्टियों के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोल रहे हैं और जमकर निशाना साध रहे हैं। बता दें कि राफेल केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस ने कहा है, ये भारत के लिए एक जीत है। राफेल याचिका की समीक्षा के लिए हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला है और कहा है कि मोदी हर जगह कह रहे थे कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राफेल में क्लीन चिट मिली है। आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित हो गया है कि मोदी जी ने राफेल में चोरी की है, देश की सेना से धोखा किया है और अपना जुर्म छिपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर लिखा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में राफेल रक्षा सौदे में भारी गड़बड़ी, भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए पीएम मोदी सरकार की कोशिश विफल। सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी सरकार पूरी तरह घिरी, सांसद के भीतर और बाहर बार बार झूठ बोलकर देश को गुमराह करने के लिए मोदी माफी मांगे और रक्षा मंत्री इस्तीफा दे। वही अखिलेश यादव भी, समाजवाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि जिन संस्थाओं को संविधान की रक्षा करनी चाहिए उन्हें बीजेपी खोखला कर रही है। एक तरफ चुनाव आयोग की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है तो दूसरी तरफ पुलिस मुखदर्शक बनी अपराध होते देख रही है। समय है हैशटैग महापरिवर्तन का। बता दें कि राफेल मामले में समीक्षा याचिका दाखिल करने वालों में से एक अरुण सोरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हमारा तर्क ये था कि क्योंकि दस्तावेज रक्षा से संबंधित है इसलिए उनकी जाँच करनी चाहिए। कोर्ट ने साक्ष्य मांगे और हमने पेश कर दिया, इसलिए कोर्ट ने हमारी दलीलों को स्वीकार कर लिया है और सरकार की दलीलों को खारिज कर दिया है। चुनाव से पहले बीजेपी के लिए यह सबसे बड़ा झटका जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिला है और विपक्षी खेमे में खुशी और लगातार अब मोदी सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।